तो फ्रेंड देख सकते हैं ये 4K कंटेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं इसकी क्वालिटी को कर देता हूँ 4K। मैं यहाँ पे गो पे क्लिक किया और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आपको कितना ज्यादा स्पीड इसका इंक्रीज करेगा, मतलब 1.6 एमबीपीएस, 1.9 मतलब 2 गीगा से प्लस जा रहा है, मतलब 2200 एमबीपीएस जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैकर ज्ञान और मेरा नाम मोहम्मद सैफ। फ्रेंड्स आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर में हेवी से हेवी टास्क कर सकते हैं जिसमें आपको 2 GBPS तक का स्पीड मिल सकता है। जैसे आप 5G को यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में जहां पे आपको 10 GB तक का स्टोरेज मिलेगा, ना ही आपके सिस्टम में वो स्पेस लेगा, वो कम्प्लीटली आपका सर्वर पे चला जाएगा जहां से आप उसको एकदम खूब सारा मजा ले सकते हैं। अगर उसको आप यूज करना चाहते हैं तो आप एकदम लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आप अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करेंगे। वो काफी सिंपल है बट एकदम स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है वो आपके सिस्टम में वर्क ना करे। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले नॉर्मल सा उसका हम आपको स्पीड चेक करा देते हैं कि उसमें आपको इंटरनेट स्पीड कितना मिलने वाला है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन अभी ऑन हो रहा है मेरे सिस्टम पे। तो ये आपका लगभग 1 मिनट के आसपास पूरा टाइम लेगा जहां पे आपका पूरा सिस्टम सेटअप पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। तो आपका इंटरनेट की स्पीड पे ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास थोड़ा भी बढ़िया अगर इंटरनेट है या अगर वहां पे नेटवर्क अच्छा आता है तो वो आपका 1 मिनट के अंदर वो रेडी हो जाएगा आपका वर्चुअल सिस्टम। और ये आप देख सकते हैं कि ये फुल स्क्रीन पे आ चुका है, मैं इसमें रिजोल्यूशन को फुल HD पे कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि मेरे पास एक लिनक्स सिस्टम आ चुका है, तो इसके लिए मैं आपको सिंपली इस पे टर्मिनल में ऑन कर देता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, WhoAmI आ गया हमारा सिस्टम का नाम। तो मैं इसको यहाँ पर से क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले इंटरनेट स्पीड दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली क्रोम ब्राउजर को ऑन कर लूंगा, इसको मैं बड़ा कर लूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सिंपली सर्च कर देता हूँ स्पीड टेस्ट, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना फास्ट ये वर्क कर रहा है। इसको मैं ऑन करता हूँ पहले वेबसाइट को और यहाँ पे मैं सिंपली इसका स्पीड आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको अपने सिस्टम का स्पीड दिखा देता हूँ कि हमारे सिस्टम में अभी क्या इंटरनेट स्पीड है। सिंपली क्रोम ब्राउजर को ऑन करेंगे, यहाँ पे आए स्पीड टेस्ट, वेबसाइट ओपन हो गया। तो ये काफी नॉर्मल सा स्पीड चल रहा है, 16 MBPS, 17 MBPS, ये आपका एकदम मिनिमम स्पीड हुआ। इसको मैं सबसे पहले बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। सिंपली इस पे डबल क्लिक किए, ये ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये कितना ज्यादा फास्ट चलता है। मैं यहाँ पे गो पे क्लिक किया और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आप कितना ज्यादा स्पीड इसका इंक्रीज करेगा, मतलब 1.6 MBPS, 1.9 मतलब 2 GB से प्लस जा रहा है, मतलब 2200 MBPS जा रहा है, जो कि मतलब कि आप कभी भी सोच नहीं सकते हैं कि आप नॉर्मल इंटरनेट पे आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता चाहता हूं कि ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, मतलब जिन लोगों को नहीं पता क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये आपका कंप्यूटर है जो कि आपके सर्वर पे इंस्टॉल है, यानी कि ये आपके सिस्टम पे बिल्कुल भी जगह नहीं लेगा, ये कंप्लीटली सर्वर पे इंस्टॉल है और इसका आप हर तरीके से यूज कर सकते हैं वर्चुअली। मतलब कि आप यहाँ पे ग्राफिक्स का वर्क कर सकते हैं, CPU का प्रोसेसिंग का वर्क कर सकते हैं, RAM आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसके बाद फिर डेटाबेस पे आपको स्टोरेज मिल जाएगा, मतलब हर चीज आपको मिल जाएगा और वो भी एकदम काफी मतलब के चीप रेट में मिल जाएगा। ये जो होता है काफी अफोर्डेबल होता है, उसका रीजन ये है कि ना ही आपको इसमें प्रोसेसर चाहिए हैवी, ना ही कुछ, मतलब आपको हर चीज हमारे सिस्टम में अभी सिंगल कोर का प्रोसेसर मिला है जो कि ये फ्री है और इसमें 3 GB का RAM मिला है और 10 GB का स्टोरेज मिला है और इंटरनेट का स्पीड आप देख सकते हैं 2 GB से प्लस है। तो यहाँ पे अगर आपको हम कुछ भी सर्च करके दिखाएं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली यूट्यूब सर्च करता हूँ YT, तो ये ओपन हो गया, मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये रहा आपके सामने YouTube पे। मैं चाहूंगा कि आपको यहाँ पे 4K कंटेंट दिखाने का, मैं इस पे ज्यादा प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट आने का भी इशू रहता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये 4K कंटेंट है, इसको मैं ओपन किया तो भाई साहब देख सकते हैं ये मतलब कि फर्स्ट क्लिक में ही स्टार्ट हो गया। मैं कोई दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड यहां पे मैं इसके क्वालिटी को कर देता हूं 4K। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये 4K हो चुका है और इसमें आपको कहीं पे भी बफर का मतलब कि इश्यू ही नहीं है, मतलब जहां पे आप क्लिक कीजिएगा वो चलने लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इसका इंटरनेट स्पीड कितना ज्यादा है, ये लोडिंग देख रहे कितना ज्यादा आगे तक लोड हो रहा है। इस वीडियो को मैं प्ले किया
ये ऑटोमेटिक 4K पे आ गया क्योंकि मेरा पहला वीडियो इसका 4K पे था। मतलब ये इतना ज़्यादा स्पीड में आपको बता नहीं सकता हूँ कितना ज़्यादा इस पर स्पीड मिल रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्पीड है। मैं अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलता हूँ अपने मतलब के पूरे प्रोसेस पे कैसे आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको कट कर देता हूँ, इस सिस्टम को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो सिस्टम को ऑफ करने के लिए सिंपली इसको मैं यहाँ से क्लोज किया और इसको कट कर दिया। ये देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये इंस्टॉल है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ या फिर रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे को सिंपली गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद मेरे को कोई भी जीमेल वाला मतलब इसे खोल लेना है और मेरे को यहाँ पे सिंपली गूगल सर्च कर लेना है। फ्रेंड्स आपको गूगल ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे सिंपली लिखना है neverinstall.com। neverinstall.com लिखने के बाद सिंपली इसको आप इंटर करके सर्च कर दीजिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिस्टम आ चुका है और ये ऑटोमेटिक इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवाइस लॉग इन था। अगर आपको लॉग इन करने में किसी भी तरीके का इशू हो रहा आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व कर दूंगा। तो इसको मैं सिंपली अगर मैं चाहता हूँ कि अपने सिस्टम के स्क्रीन पे लाना तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने सिस्टम पे लाने का। तो मैं इसको सबसे पहले बड़ा कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये यहाँ से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं सिंपली स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से स्पीड टेस्ट तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये काफी अच्छा वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।